असम में एनआरसी को अंतिम रूप देते वक्त किसी के साथ नहीं होगा भेदभाव। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में दिया भरोसा, नागरिकता का दावा साबित करने के लिए मिलेगा पूरा मौका। कहा, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए बनाया जा रहा है भय का माहौल। लोकसभा में SC/ST अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक पेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हटे मूल प्रावधानों को बहाल करना मकसद, कैबिनेट ने बुधवार को बिल को दी थी मंजूरी। लोकसभा से राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2018 को मंजूरी, मणिपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला राष्ट्रीय खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान, खेलकूद से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में मिलेगी डिग्रियां। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ लाभार्थियों को फ्री गैस कनेक्शन का लक्ष्य समय से पहले पूरा, लोकसभा अध्यक्ष ने संसद परिसर में 5 करोड़वें लाभार्थी को सौंपा गैस कनेक्शन। 2019 तक 8 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने के लक्ष्य में जुटी सरकार। और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में मजबूत स्थिति में टीम इंडिया, मैच के तीसरे दिन दूसरी पारी में इंग्लैंड के 130 रन पर ढेर किए 7 विकेट। पहली पारी में कप्तान कोहली के बेहतरीन 149 रन के बाद दूसरी पारी में ईशांत ने चटकाए 4 विकेट। मेजबान इंग्लैंड को कुल 142 रनों की बढ़त।